एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लियर है टाइटल से, तो ऑफ कोर्स इट्स H&M हॉल। सो आई हैव बॉट फ्यू ऑफ द थिंग्स फ्रॉम H&M दिस टाइम एंड आई वाज लाइक कि मैंने ना पिछली बार पूरा H&M का स्टोर एक्सप्लोर भी किया था आप लोगों के लिए, तो इन केस अगर आप लोग ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आ रहा है प्रेस ऑन द लिंक लाइक द आई बटन इज कमिंग, प्रेस ऑन द आई बटन एंड आप जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो के बाद देखना प्लीज। सो या एंड आज हम करने वाले हैं H&M हॉल ब्लैक फ्राइडे सेल से मैं जो नहीं लेके आई हूँ, जो सारी चीजें मैंने लिया है, तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगी, लाइक बेसिक में जो मेरे पास ना टॉप लाइक टी शर्ट वेयर में जो है वो मैं बताऊंगी एंड देन आई शो यू द बॉटम वेयर। सो सबसे पहला जो मैंने लिया है इज दिस वन। ये इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज समथिंग आई हैव वोर्न दिस लाइक मिलियंस ऑफ अ टाइम। दिस इज अ हाई नेक टर्टल नेक टी शर्ट यू कैन से। इसका जो मटीरियल है ना उसकी वजह से बहुत प्यारा लगता है, इट्स फुल स्लीव्स और ये बहुत खूबसूरत लगता है एंड नाउ आई एम लूजिंग वेट ना, तो इसका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत खूबसूरतली मतलब खूबसूरती से मेरे ऊपर आता है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल थिंग फॉर दिस विंटर। बहुत ही आसानी से आप इसको लेयर अप कर सकते हो हर चीज़ों के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट हाई टर्टल नेक टी शर्ट जो मैंने आप लोगों को स्टोर में भी बताया था। इट हैज़ लॉट्स ऑफ कलर, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, सो यू कैन गो फॉर इट एंड इट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इट वॉज ओनली फॉर 700 rupees एंड आई रियली लाइक दिस वन अ लॉट। द सेकेंड टी शर्ट इज दिस वन। इट्स अ बेसिक टी शर्ट अगेन इन अ वाइट कलर। सो मेरा गेम जो है ना कपड़ों को लेकर वॉर्डरोब को लेकर इट्स लाइक मोर ऑन अ बेसिक एंड अ मॉडेस्ट वे। सो दिस इज द सेकेंड टी शर्ट विच हैज दिस लाइक अ जिप काइंड ऑफ अ थिंग। आई जस्ट शो यू। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स इन अ रिब मटीरियल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इट्स अ क्रॉप टॉप प्लस अ जिप, सो आप अपने हिसाब से एडजस्ट लूज जो भी करना है वैसा कर सकते हो एंड अगेन अ फुल स्लीव्स। इट्स अ परफेक्ट टी शर्ट फॉर माई जीन्स लाइक अ हाई वेस्ट जीन्स अगर मैं पहनती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से ये उसके साथ आ जाता है, बहुत ज्यादा प्यारा भी लगता है। द थर्ड वन अगेन इज माई फेवरेट एंड अ वेरी बेसिक टी शर्ट। इट्स अ ब्लू क्रॉप टॉप। सो यू गाइस कैन सी दिस इज हाउ द छोटा इट इज, बहुत छोटा है ये। मतलब इसको देखने पे ना मुझे पहली बार में ऐसा लगा था यार मुझे आएगा भी नहीं, बट ये मुझे लकीली बहुत अच्छे से आया एंड इट लुक्स परफेक्ट। बहुत ही प्यारा नेवी ब्लू कलर का बेसिक सा टी शर्ट है विच लुक्स अमेजिंग फॉर एनी ऑफ द यू नो बेसिक डार्क ब्लू, ब्लैक ब्लू, जो भी जींस के साथ आप स्टाइल करना चाहते हो तो उस हिसाब से ये बहुत प्यारा है। इट वॉज ओनली फॉर 300 or 400 rupees एंड आई बिलीव मुझे ना ऐसे काइंड ऑफ पीसेज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद आता बिकॉज बेसिक होते हैं ना तो सबके साथ बड़े ही आसानी से चले जाते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट टी शर्ट विच आई बॉट इट लाइक टी शर्ट केस में ये लास्ट टी शर्ट आई ओनली बॉट दिस 3 टी शर्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉटम वेयर, तो इस टाइम में ना मैंने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है बॉटम वेयर्स में। आई वॉज क्लियर कि मुझे थोड़ा बहुत बॉटम वेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। टी शर्ट्स टॉप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है एंड नाउ आई बॉट अ वेरी बेसिक बॉटम वेयर्स फॉर मी विच कैन बी वोर्न बाय एनी वन, कॉलेज, ऑफिस, एनी वन। सो दिस इज द फर्स्ट ब्लैक ट्राउजर। आई ऑलरेडी ओन 3 to 4 ट्राउजर्स बट स्टिल आई वॉन्टेड दिस वन अ लॉट। दिस इज अ वेरी सिंपल ब्लैक ट्राउजर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरे को छोटी आती है बट स्टिल आई लाइक दिस वन अ लॉट बिकॉज स्टाइलिंग में मेरे को बहुत अच्छा पड़ जाता है ये। सो दिस इज अ ब्लैक ट्राउजर जो कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर यू गाइस कैन सी आई जस्ट दिस अप। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन सी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत प्यारा लगता है यार। स्टाइलिंग के लिए ना ऐसे काइंड ऑफ मास्टरपीसेस आपके पास होना चाहिए, ब्लैक में तो होना ही होना चाहिए ताकि आपको फट से भी कहीं जाना हो ना तो आप इजिली ऐसा कुछ पहन के जा सकते हो। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे पास एक ट्राउजर है, एवरीबडी वॉज आस्किंग मी ऑन इंस्टाग्राम कि कहाँ से लिया है कहाँ से लिया है एंड इट्स अगेन इन अ ब्लैक कलर। दैट इज वाई ऑलवेज से कि इन्वेस्ट इन ब्लैक बिकॉज आप तो उसको बहुत बार पहन सकते हो हर चीजों के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट ट्राउजर विच आई बॉट इट। सबके प्राइसेस मैंने यहाँ पे लगा देना है और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, सो डोंट वरी अबाउट द लिंक्स। और अगर आपको कुछ चीजों का लिंक नहीं मिलेगा ना यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट पेज, यहाँ पे आ रहा है। मैं वहां पर रोज रोज रील्स डालती रहती हूँ अफोर्डेबल फैशन अंडर 400 or 300 rupees। सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट एंड ऑल्सो डीएम मी स्पेसिफिकली कुछ होगा आपको तो। सो दिस वॉज अ फर्स्ट ट्राउजर विच लुक्स अमेजिंग, मुझे बहुत प्यारा लगा। सो द सेकेंड ट्राउजर इज दिस वन विच इज इन अ बेज कलर एंड आई क्लियरली वॉन्टेड अ वाइट ट्राउजर
बट मुझे ना व्हाइट मिल नहीं रहा है कहीं पे भी, एंड मुझे ना व्हाइट का बहुत ज्यादा ये डर है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ना हो ऐसा चीज, और व्हाइट है और मैं और व्हाइट मतलब मैं बहुत जल्दी उसे गंदा कर देती हूँ. सो दिस इज इन अ बेज कलर. आई लाइक द ट्राउजर, आई रियली लाइक द मटेरियल, बट दिस इज नॉट अ हाई वेस्ट ट्राउजर. एक हाई वेस्ट जो ट्राउजर होता है ना वो नहीं है ये, तो ये मैं नहीं रखूंगी, ये मैं क्लियरली रिटर्न कर दूंगी, बिकॉज मुझे ना हाई वेस्ट ट्राउजर्स ही चाहिए होते हैं. एंड इट्स अ नॉर्मल, लाइक आई बिलीव लो वेस्ट से भी थोड़ा सा ऊपर है, मिड वेस्ट ट्राउजर है ये. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ बेज कलर, लॉन्ग फ्लेयर ट्राउजर्स है, इट्स नॉट अ सिगरेट फिट ट्राउजर, इट्स अ फ्लेयर ट्राउजर इन अ बेज कलर. अच्छा खासा बड़ा है, लेंथ वाइज ओके है, बट इट्स अ मिड वेस्ट ट्राउजर विच आई क्लियरली नॉट लाइक. मुझे ना लॉन्ग हाई वेस्ट ट्राउजर ही पसंद आते हैं. सो इफ यू विश आप जा सकते हो ऐसा कुछ ले सकते हो, बट मुझे ये क्लियरली नहीं पसंद है. कलर इसका बहुत प्यारा है, इट्स इन अ बेज कलर, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल. सो इफ यू लाइक इट यू कैन गो फॉर इट, बट मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, सो आई विल क्लियरली रिटर्न दिस आउट. ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड वन. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, एवर सिंस मैंने ना फर्स्ट H&M का जब मेरा वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम, तब से मुझे व्हाइट जीन्स चाहिए था. कभी साइज इश्यू हो रहे थे, कभी मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और मुझे इस टाइम मिला है मेरा फेवरेट व्हाइट जीन्स. बट मैंने कोई चीज मंगाई हो और उसमें मसला ना आए, या फिर मैंने कोई चीज ली हो उसमें मसला ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है. सो दिस इज माय फर्स्ट एवर, नॉट दिस इज नॉट माय फर्स्ट जीन्स, मतलब व्हाइट जीन्स, मतलब फ्लेयर वाली. सो दिस इज अ व्हाइट जीन्स विच आई ऑर्डर्ड. ओके, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस साइज इशू. मैं जो साइज का पहनती हूँ मैंने वही साइज मंगाया, बट स्टिल इसमें पता नहीं क्या मसला आ गया कि साइजेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. इट इज वेरी टाइट ऑन माय यू नो दिस एरिया, जो हिप का एरिया होता है ना वहां से बहुत ज्यादा टाइट है. यहाँ से प्रॉपर है बट सिंस इट्स हाई वेस्ट, तो ये एरिया मेरा एकदम प्रॉपर है, बट नीचे से बहुत ज्यादा टाइट है. इट्स अ वाइट फ्लेयर जींस एंड इट लुक्स अमेजिंग टू स्टाइल दिस अप. आई कैन नॉट वेट टू स्टाइल दिस अप. आई रियली लाइक दिस अ लॉट. बस मैं इसको एक्सचेंज करके एक साइज आप ले लूंगी, अदरवाइज आई फ्रिकिंग लव दिस वन. अ व्हाइट जींस इज अ मस्ट हैव. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली हैव द वन. एंड द लास्ट जींस, आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग ने ये वाला देख लिया होगा बहुत बार मेरे बहुत सारे आउटफिट्स के साथ. दिस इज लाइक वन ऑफ माई मोस्ट यूज जींस नाउ. सो दिस इज द अदर जींस विच आई हैव, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अगेन फ्लेयर जींस, सो आई एम क्लियरली इन टू फ्लेयर जींस दिस टाइम. So you guys can see, this is how it looks like. It's in a carbon grey color. मैंने अभी नहीं लिया था, मुझे लिए हुए टाइम हो चुका है, कुछ टाइम हो चुका है, बट ये फ्लेयर में है और इसे मैंने बहुत बार पहना है. इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट जींस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्लैकिश यू नो कार्बन काइंड ऑफ अ थिंग. सो आप डेफिनेटली जा सकते हो ऐसा कुछ. मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. ऑल द जींस आर हाई वेस्ट जींस, बस ये वाला छोड़ के मुझे नहीं समझा ये क्यों ऐसा आया, बट ठीक है कोई नहीं, हम रिटर्न कर देंगे. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैंने ज्यादा कुछ शॉप नहीं किया है, ट्रस्ट मी बहुत बेसिक है, और जो मैं बहुत बार यूज करूँ ना मैंने वैसा ही कुछ इन्वेस्ट किया है, सो दैट मेरे पैसे बहुत अच्छे से यू नो यूटिलाइज हो जाए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए जाकर मेरी दूसरी वीडियोस देख लो, यहीं कहीं पे आ रही है. आई सी यू नेक्स्ट टाइम विच मीन्स एवरी थर्सडे एंड संडे सुबह 11 बजे. तब तक के लिए